आज हम इस समाचार में बात करेंगे उन लोगों के जो अपने जान को जोखिम में रखते हुए भी हमारे लिए जो सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं। आज हम सिर्फ उन लोगों के लिए ही बात करेंगे, समाचार एपिसोड में पूरे का पूरा जो एपिसोड है उनके लिए ही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पुलिस के। अहमदाबाद में बहुत सारे ऐसे पुलिस अधीक्षक हैं अलग अलग एरिया के, जो अहमदाबाद में लॉकडाउन में फंसे हुए मजदूरों को और ज़रूरियात लोगों को खाना पहुंचाने, उनके मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक ऐसे पुलिस ऑफिसर है गोमतीपुर के प्रभारी थाना अध्यक्ष चंदेल साहब, आइए हम आपका उनसे इंटरव्यू कराते हैं कि इस समाज के विषय में और उनका क्या अधिक जो प्रयास है ये जो कोरोना से बचने के लिए उनके पुलिस के डिपार्टमेंट के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, उनसे बातें करते हैं। कार्यक्रम के तहत जो गरीबों के लिए खाना फूड वितरण का, वो कैसे किए आप लोगों ने? अभी तक तो हमने सिर्फ जो बिहार के गरीब लोग जो रोज समाज के रोज खाना होते हैं, वैसे टोटल 400 के आसपास फैमिली हैं जिनको एक वीक से ज़्यादा का राशन अभी तक प्रोवाइड किया है। और इसके अलावा गोमतीपुर विस्तार पूरा मजदूर शहर है जो आउटसाइडर्स हैं, तो उनके लिए टोटल पहले तो हमने सर्वे किया कि एरिया में है कि 2800 से ऊपर कुछ मजदूर लोग हैं, तो उनके रोज़ सुबह शाम खाने के लिए हम अभी फूड पैकेट का अरेंजमेंट करवा रहे हैं जो कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो 5000 फूड पैकेट की व्यवस्था की है। सर का कहना है कि जैसे इन्होंने बताया कि 5000 फूड पैकेट का जो व्यवस्था किया जा रहा है स्वैच्छिक संस्थाओं से मिलकर, इनका उद्देश्य ये है कि जो भी जो गोमतीपुर जो एरिया इनके अंडर में आता है उसके यहाँ पे जो भी मजदूर वर्ग हो जो भी हो वो जो इन्हें भूखे न सोए, ये जो प्रयास सर के द्वारा जो किया जाए बहुत ही अच्छा सराहनीय जो है कदम उठाया जा रहा है। और मुझे मानना चाहिए कि जो चंदेल साहब का जो निवेदन है कि जो लोगों घर से बाहर ना निकले बिना काम कर, ये जो गोमतीपुर के प्रजा जो है या अहमदाबाद के जो मान ले इनको पूरी तरह से माननी चाहिए। ये जो बापू नगर का जो विस्तार है आज ये जो देख रहे हैं चारों तरफ में जो ऐसे बैरियर लगा के रखा हुआ है रोड के ऊपर में और आने जाने वालों के ऊपर में नजर रखा जा रहा है। डायमंड सर्कल चार रास्ता का ये जो सीन है, ये जो देख रहे एक्सिस बैंक है अहमदाबाद में जहाँ पे ये जो दो कस्टमर है इन लोगों को भी बाहर रखा गया है, गार्ड लगा के रखा हुआ है, अंदर जो भीड़ भाड़ है और डिस्टेंस बना के जो है 1 मीटर से 100 मीटर तक वो बना के रखे रहे, ये जो बैंकों के द्वारा जो प्रिपरेशन लिया जा रहा है। एक वाहन दिखाई दे रही है, मैं दिखाना चाहूँगा इस पर, ये जो गुजरात ना पुलिस कर्मी माटे जल सेवा, ये जो जय माता जी कृपा जो ग्रुप करके है उसके द्वारा ये जो पुलिस जो हमारे लिए जो बैठे हुए हमारी सुरक्षा के लिए जो अपने जो जान को जो जोखिम लगा के जोखिम में डाल के काम कर रही है उनके द्वारा जो उनको उन लोगों के लिए ये जो जय माता जी ग्रुप जो है इनके द्वारा जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं खिचड़ी पानी इसकी व्यवस्था जो की जा रही है ये बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। ये जो संस्था है जो आने जाने वाला है उनको जो छाछ का जो वितरण किया जा रहा है, क्योंकि जो स्वैच्छिक संस्था गवर्नमेंट के द्वारा पूरा खाने की व्यवस्था की गई है और हमारा यही प्रयास है कि लोग जो जहाँ पे है वहीं पर रुके पलायन न करें। ये हमारे पीछे देख सकते हैं कृष्णा नगर चार रास्ता अहमदाबाद का है, पुलिस के जवान जो है इतने धूप में भी कैसे अपने फर्ज को बजा रहे हैं ये देखिए आप। इनके द्वारा पूरी जांच पड़ताल करने के ही किसी को आगे जाने दिया जा रहा है। देखिए एक एक गाड़ियों का ये लोग जांच कर रहे हैं, कौन मास्क लगाया कौन नहीं लगाया सबको जो है ये लोग सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करा रहे हैं।